वैश्य महासंगठन ने परमदानी महाराज भामाशाह जी का जन्मोत्सव मनाया। सिद्धार्थ काशीवार ने कहा कि वैश्य महासंगठन पिछले 5 साल से महाराज भामाशाह जी के वैभव और प्रताप से आमजन को परिचित कराने में लिप्त है। संगठन को बड़ी उपलब्धि तब प्राप्त हुई जब संगठन के झांपन पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराज भामाशाह जी की जीवनी को स्कूली पाठ्यक्रम में जोड़ने के लिए NCERT को उचित निर्देश दिए। सिद्धार्थ ने बताया कि ये वैश्य महासंगठन का ही प्रयास है कि महाराज भामाशाह जी के नाम पर सरकारी योजनाएं शुरू हो गई हैं एवं शीघ्र महाराज की जीवनी से भविष्य की पीढ़ी स्कूली पाठ्यक्रम द्वारा जानेंगे। महाराज भामाशाह जी की जीवनी संकलित करने वाले महासंगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धार्थ काशीवार ने बताया कि भारतीय इतिहास में मेवाड़ उद्धारक दानवीर भामाशाह का नाम बड़े ही गौरव के साथ लिया जाता है। भामाशाह स्वामी भक्त एवं दानवीर होने के साथ साथ जैन धर्म के परम श्रद्धालु श्रावक थे। हल्दी घाटी के युद्ध में पराजित राणा प्रताप के लिए उन्होंने अपनी संपूर्ण निजी संपत्ति से इतना धन दान दिया था। सिद्धार्थ काशीवार ने बताया कि भारतीय इतिहास में मेवाड़ उद्धारक दानवीर भामाशाह का नाम बड़े ही गौरव के साथ लिया जाता है। भामाशाह स्वामी भक्त एवं दानवीर होने के साथ साथ जैन धर्म के परम श्रद्धालु श्रावक थे। हल्दी घाटी के युद्ध में पराजित राणा प्रताप के लिए उन्होंने अपनी संपूर्ण निजी संपत्ति से इतना धन दान दिया था, पूंजी राणा प्रताप को समर्पित कर दी। तब भामाशाह की दानशीलता के प्रसंग आसपास के इलाकों में बड़े उत्साह के साथ सुने और सुनाए जाते थे। उस सहयोग से महाराणा प्रताप में नया उत्साह उत्पन्न हुआ और पुनः सैन्य शक्ति संगठित कर मुगल शासकों को पराजित कर फिर से मेवाड़ का राज्य प्राप्त किया। भामाशाह का जीवन काल 52 वर्ष रहा। उदयपुर राजस्थान में राजाओं की समाधि स्थल के मध्य भामाशाह की समाधि बनी है। कार्यक्रम की शुरुआत मिट्टी के द्वीप प्रज्वलन से हुई, जो कि महाराज भामाशाह जी की प्रख्यात आदत थी कि हर कार्यक्रम से पहले भारत भूमि की मिट्टी से बने दिए से ही शुभारंभ हो। इस अवसर पर सलिल विश्नोई, पवन गुप्ता, सुरेश अवस्थी, नरेश त्रिपाठी, पंकज गुप्ता, अभिमन्यु गुप्ता, डॉ सपन गुप्ता, सिद्धार्थ काशीवार, मनु अग्रवाल, ओमित गुप्ता, अजय प्रकाश तिवारी, कमलजीत सिंह बग्गा, नरेश कठेरिया, मनोज गुप्ता, रवि गुप्ता, दिनेश महाराज, जितेंद्र श्रीवास्तव, अरुण गर्ग आदि भारी संख्या में कानपुर नगर के गणमान्य जन एवं वैश्य समाज के नागरिक उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के कानपुर ग्रामीण के अध्यक्ष श्री मयंक शर्मा, दिनेश महाराज जी, व्यापार मंडल के प्रदेश संघ के तत्वाधान में हमारे समाज के सुधर पुरुष पूरे राष्ट्र की वो विभूति है जो सैकड़ों साल से दानवीरता के लिए, पराक्रम के लिए, अपराध के लिए सर्वोच्च हमारे अमर महाराज भामाशाह जी, जिनका शतकोत्सव है, पता है। लेकिन महाराणा प्रताप के जो वंशज है, उदयपुर नरेश है, जो महाराज भामाशाह जी का नाम हम लोग सैकड़ों सालों से आज वैश्य महासंगठन कानपुर नगर और फतेहपुर बांदा के नगर कमेटियों के तत्वाधान में और यूनियन क्लब में हमारे समाज के और राष्ट्र के महानतम दानी, परम दानी, परम प्रतापी महाराज भामाशाह जी का प्रकटोत्सव हम लोग ने आज मनाया है। वैश्य महासंगठन पिछले 4-5 साल से अनवरत रूप से वैश्य हमारी जो विभूति हैं श्री भामाशाह जी महाराज जी, उनको एक जो उनका यथोचित स्थान होना चाहिए, जो उनको इतिहास की समीक्षा में नहीं मिला था, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। सबसे बड़ी हम लोग की उपलब्धि रही है, पिछले वर्ष हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनकी जीवनी के लिए हमारी एक मांग थी, उसको स्वीकारा और उसका मुझे पत्र भेजा कि वो पत्र अब उन्होंने NCERT में भेज दिया है कि भामाशाह जी की जीवनी स्कूली पाठ्यक्रम में जोड़ी जाए। हम लोग लगातार पत्राचार कर रहे थे, लगातार सरकार से हम लोग निवेदन करते आए हैं, अनुरोध करते आए थे कि भामाशाह जी से संबंधित कोई कार्यालाप हो और उसके लिए हम अपने प्रदेश के जो
यशस्वी हम लोग के मुख्यमंत्री हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने आज के दिन को भामाशाह जी के प्रकटोत्सव के दिन को व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में मनाया है और यह परंपरा उन्होंने नहीं डाल दी है, उसके लिए हम लोग नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और एक हम लोग शीघ्र कानपुर नगर के प्रमुख किसी चौराहे का नाम सौंदर्यकरण और प्रतिमा स्थापना के लिए हम लोग निवेदन देने जा रहे हैं हमारे सांसद जी को और हमारे मुख्यमंत्री जी को कि उनसे महानतम दानी और प्रतापी कोई व्यक्ति हमारे इतिहास में नहीं है, तो उनका यथोचित सम्मान और स्थान दिया जाए। लोगों से कहना चाहेंगे कि वह समाज कभी भी संकुचित समाज नहीं रहा, उसने सर्व समाज के लिए और राष्ट्रहित के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान किया, उसने कभी भी जातिगत भावना के साथ कोई काम नहीं किया। बनिया के लिए, वैश्य के लिए समाज प्रथम रहता है और वही रहेगा, और राष्ट्र के लिए वो बनिया हमेशा अपना सर्वस्व कुर्बान कर देगा। UP 78 इंडिया न्यूज़ चैनल से रितेश कुमार।